सोलन में धूमधाम से गुरु पूर्णिमा दिवस मनाया गया। गुरु पूर्णिमा पर विशेष कार्यक्रम सोलन के संस्कृत कॉलेज में आयोजित किए गए। इस मौके पर लेखन और गायन में परंपरागत गुरुओं का सम्मानित भी किया गया। सोलन में बड़ी ही धूमधाम के साथ गुरु पूर्णिमा दिवस को मनाया गया। गुरु पूर्णिमा पर विशेष कार्यक्रम सोलन के संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इस मौके पर लेखन और गायन में परंपरागत गुरुओं को सम्मानित किया गया। ये नई परंपरा हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकेडमी द्वारा सोलन में आरंभ की गई। कार्यक्रम में शिष्यों ने संसार की कठिनाइयों से संघर्ष करने के लिए ज्ञान शक्ति देने वाले गुरुओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकेडमी के प्रदेश सचिव डॉक्टर कर्म सिंह ने बताया कि उनके अकेडमी द्वारा सभ्यता संस्कृति एवं परंपराओं को जिंदा रखने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज उनके द्वारा गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर विख्याति प्राप्त संस्कृत लेखन अनुवाद और कविता लेखन में महारत हासिल कर चुके आचार्य केशव शर्मा और गायन और लेखन में माहिर पहाड़ी संस्कृति को जिंदा रखने वाले गायन के एल सैगल को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि न केवल उन्हें आज के दिन संस्था द्वारा सम्मानित किया गया बल्कि उन्हें प्रदेश भर में फैले उनके शिष्यों ने भी सम्मानित किया। डॉक्टर करम सिंह, सचिव हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृत में विशेष महत्व रखती है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा के तौर पर प्रचलित रही है आदिकाल से। विशेष करके संस्कृत भाषा का जो पठन पाठन है और संगीत का जो शिक्षण प्रशिक्षण है वह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से होता रहा है और आज भी ये परंपरा भारतवर्ष में समृद्ध है। गुरु परंपरा के अवसर पर इसी दृष्टि से हिमाचल अकादमी द्वारा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान आचार्य केशव शर्मा जी को सम्मानित करते हुए गुरु परंपरा के साथ आज जोड़ने का प्रयास किया गया है। और संगीत की परंपरा में सोलन के ही डॉक्टर कृष्णलाल सहगल को इसमें आमंत्रित किया गया है। इन दोनों विद्वानों का सम्मान करते हुए उनकी शिष्य मंडली के द्वारा भी उनका सम्मान किया जा रहा है और अकादमी द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इन दोनों महान विभूतियों का जिनका अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान है साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को सामने रखा जाए। अगर हम देखें आचार्य केशव शर्मा जी ने संस्कृत के माध्यम से संस्कृत की पुस्तकों की रचना करके प्रकाशन करके राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है और हिमाचल का ये सौभाग्य है, हिमाचल का ये गौरव है कि केशव शर्मा एक ऐसे आचार्य हैं, एक ऐसे संस्कृत के विद्वान हैं जो भारतीय अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत लेखन में कविता की रचना करने में अनुवाद करने में और तुरंत कविता प्रस्तुत करने में गद्य और पद्य रचना करने में पारंगत हैं और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। शंकराचार्य से पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में भी इनकी प्रतिष्ठा है। इनके जीवन पर शोध पत्र लिखे गए हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं और आज के संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए आचार्य केशव एक आदर्श हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर कृष्णलाल सहगल का संगीत के क्षेत्र में सुगम संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है या संगीत की कोई अन्य विधा है, उनका गीतों का लेखन, नाटियों का गायन, सीडी, डीवीडी, भजन, कैसेट तैयार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में इनके शिष्य जो हैं वो दूर दूर तक फैले हैं, अध्यापन में हैं, संगीत की सेवा कर रहे हैं। तो इन दोनों गुरुजनों का सम्मान करते हुए आज का ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया गया है ताकि हम संस्कृत को और संगीत को आगे ला सकें और नई पीढ़ी के बच्चे भी इनके योगदान को समझ सकें। ऐसा कह करके, ऐसा सोच करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है जिसका नाम है साहित्य संगीत संगम। भक्तों चलो छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।